शिवा टेम्पल। तो तुम्हारा भाई आज जा रहा है वर्ल्ड पीस पकौड़ा, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता है, वहीं जाके मैं बताऊँगा। बाकी अभी रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, चलते हैं। उधर कैब आ चुकी है और वो जो मेन आपको शिवा टेम्पल मैंने बताया था वो भी वहीं है। चल के देखते हैं कैसा क्या है सीन। ओके भाई, यार कैब वाला अभी तो यहीं खड़ा था, किधर चला गया वो कैब वाला? यार गई से यहीं खड़ा था नीचे, उसको बोला 5-10 मिनट वेट कर, रुका ही नहीं, आगे कहीं निकल गया। उसी का ढूंढने जा रहे हैं, तो चलते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। मंदिर कितना दूर है यहाँ से? कौन सी शिवा टेम्पल? भाई तुम्हारा भाई आ चुका है वर्ल्ड पीस पकौड़ा नाम की प्लेस है ये नेपाल में, और पोखरा से ऑलमोस्ट हमको यहाँ आने में लग गया 30-35 मिनट्स। कैब ली है, नीचे वेट कर रहा है। पहले वो शिवजी वाला टेंपल जो है वहाँ ले गया था, और उसके बाद में जो है वहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट का जो है वे था, वहाँ से ये जो है इधर लेके आया है। अभी ये बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रैक है, यहाँ पे पीछे की तरफ देख पा रहे होगे तुम, पीछे ये बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। और ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। बाकी वो शिवा टेंपल जाके तो भाई बहुत प्यारा, बहुत अच्छा पीसफुल वाइब है, बट वही है थोड़ा जो क्राउड है ना वो बहुत मैटर करता है कभी कभी। बहुत ज़्यादा कचरा करना, शोर शराबा करना, मंदिर में हो आप तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए आई गेस, मेरे को तो ऐसे लगता है। थोड़ी शांति, फ़ोटो खींचनी है खींच सकते हो,
बट यू नो गंदगी और ये सब करना और चलाना आगे और है, ठीक है। थोड़ा सा आज भीड़ ज़्यादा है, मे बी सैटरडे है इस वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, बट सच में बहुत पीसफुल है, बहुत ग्रीनरी है। बट बस एक चीज़ मेरे को अभी पसंद नहीं आई, मे बी जो है आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर थोड़ा सा ना ठंड के टाइम पे आना चाहिए मे बी, क्योंकि यहाँ नेपाल में गर्मी होती है। होटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि एसीज लगे हुए, एसी इंस्टॉल्ड है, तो दैट मीन कि यहाँ पे गर्मी है और ह्यूमिडिटी भी है थोड़ी यहाँ पे। बट बारिश होती रहती है क्योंकि माउंटेन्स है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी इस टाइम सनी बहुत है वेदर, तो थोड़ी गर्मी लगती है, पर ठीक है। ये जितना भी एरिया है मे बी आप शाम को भी विज़िट कर सकते हो, बट आपको पता है जब आप फैमिली के साथ में आते हो तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है चीज़ें, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मैं सोलो आया होता तो फॉर श्योर मैं स्कूटी लेता और या फिर मैं कोई बाइक लेता और वहाँ से मैं सोलो ट्रैवल करता हुआ आता। बाकी यहाँ ना ब्यूटीफुल ये जो उनके प्रेयर करने वाले फ्लैग्स हैं वो सब जगह होते हैं, मैंने भी 2-3 बाय करे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाइक्स पे मेरे हरदम रहते हैं, एफजी में बुलेट पे भी हरदम मैंने लगा के रखा है, तो ये जो है ना बहुत प्यारे लगते हैं ग्रीनरी के बीच में। ऊपर है क्या?